तो फाइनली चविंडा पहुंच गया हूं, यादगार शुदा के नाम से पार्क है ये लाइब्रेरी से। सुरूर मैंने क्रॉस कर लिया है, अभी चविंडा पहुंचने वाला हूं। मेरा ख्याल है 2-3 किलोमीटर रह गया है चविंडा। चविंडा आ गया है, चविंडा पहुंच गया। मेरा एक वहां पे पार्क है यादगार शोधा या कुछ ऐसा ही नाम से है, उस पार्क में जाता हूँ। उसके बाजार शुरू हो गया है। मेरी जो डेस्टिनेशन लोकेशन है गांव मेरा, तो मेरा गांव भी यहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर है और चविंडा आधा ख़त्म हो चुका है, आधा और आधा रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक कस्बा है, कोई शहर नहीं है बड़ा चविंडा जो है। यहाँ से वो सामने पार्क है, अब पार्क का नाम पता नहीं क्या है। तो फाइनली चविंडा पहुंच गया हूं, यादगार शुदा के नाम से पार्क है ये। आए अंदर जाकर मैं ज़रा दिखाता हूं। क्या नाम है आपका? मसरूर। मसरूर, इधर के रहने वाले हो? अच्छा, ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम। ये शुदा के याद में पार्क बनाया गया है तब से।
ज़्यादा दूर नहीं रह गया। सफ़र कैसे कट गया है लाहौर से यहाँ तक का, अभी तक तकरीबन 155 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। तो 155 किस तरह से कट गया है पता भी नहीं चला है। ये सारा फ्लोरा चौक है, कोई बहुत बड़ा चौक नहीं है, छोटा सा ही चौक है। कोई मेरा ख्याल है कोई 25 से 30 को दुकानें हैं यहाँ पे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ताकि याद में रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टैंक है बस। और फ्लोरा में यही ज़्यादा से ज़्यादा कोई थोड़े से ही चंद एक घर हैं, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं यहाँ से, ये जो रोड सीधी आ रही है ये वाली सीधी लाहौर को जाती है, ये वाली जो है राइट साइड वाली ये सियालकोट को जाती है, वो सामने लेफ्ट साइड वाली रोड जो है वो ज़फरवाल को जाती है, उधर करतारपुर जो है गुरुद्वारा साहिब वो उस साइड पे आता है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ऐसा ग्रीनी ग्रीनी एरिया ही है ये वाला सारा, और वो उस साइड पे वो एक ये उन्होंने रखा हुआ नहर बनाई हुई है आर्मी वालों ने, अगर कभी अल्लाह ना करे कोई जान का खतरा हो तो उनके जो टैंक हैं वो उसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहर खोदी हुई है इस एरिया में, चारों तरफ आपको जो है ना इसी तरह की नहर मिलेगी जो आर्मी ने खोदी हुई है। इसी वजह से अल्लाह ना करे अगर कोई जान का खतरा हो तो जो दुश्मन के टैंक वगैरह हैं वो आपके हदूद में दाखिल नहीं हो पाएंगे, ये नहर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे सारा बॉर्डर एरिया है, इंडिया यहाँ से बहुत ही करीब है। आज कोशिश करूँगा सेकंड टाइम थोड़ी रेस्ट करके वो वाला एरिया देखने के लिए जाऊँ। इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। कुछ ऐसे विलेज आते हैं लेफ्ट साइड पे कि जिनमें विलेज में अगर आप छत पे चढ़ें, घर की छत पे चढ़ें तो इंडिया के जो मकान हैं वो आपको घर इजीली नज़र आ रहे हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो फसलों में खेतों में काम कर रहे होते हैं वो आपको घर की छत के ऊपर चढ़ के नज़र आ जाते हैं, इतना करीब है इंडिया कुछ विलेजेस के। वो तो साथ ही शहदा के घर हैं। यादगार है शोधा, 9 FM, ये 1965 के जो हमारे शोधा हैं उनकी याद में है। अस्सलाम वालेकुम। तारीख शहादत 11 सितंबर 1965।
के रेस्ट करूँगा थोड़ी देर। उसके बाद मैंने सोचा है कि जो ये लेफ़्ट साइड पे सारा बॉर्डर एरिया है, बहुत बड़ी एक लाइन है बॉर्डर एरिया की, उसको ज़रा एक्सप्लोरेशन करूँगा।